डायरेक्टर जनरल स्कूल्स गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्ला खान लोन ने गज मॉडल स्कूल कायदाबाद सिकंदरी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने स्कूल की असेंबली से खताब किया। आप बेटा अपना काम कर रहे हैं, आप खुशकिस्मत हैं कि आपको इस वक्त गवर्नमेंट के स्कूलों में प्राइवेट एक अच्छे से अच्छे स्कूल से अच्छा मैार मिला हुआ, और हम कमिटेड हैं गवर्नमेंट की जो एजुकेशन दोस्त पॉलिसियाँ हैं, एजुकेशन पर जो उनकी मेहरबानियां हैं, उन पर मनोन अमल करने के लिए उसको हकीकी मानों में ट्रू स्पिरिट एंड सेंस अमल पैरा होने के लिए हम कमर बस्ता हो गए हैं। एजुकेशन का एक एक फर्द उसके लिए कमिटेड है। हम 12 घंटे तक काम कर रहे हैं, और 14, 15, 16 घंटे भी काम करना हो गया तो इंशाल्लाह ताला हम करेंगे, और आपको वो खोया हुआ वकार जो गवर्नमेंट स्कूलों के तुलबा और गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर्स पर, गवर्नमेंट स्कूलों पर जो कम्युनिटी का ट्रस्ट नहीं था, उस ट्रस्ट को हम इंशाल्लाह ताला बहाल करके दम लेंगे। और आपको एक अच्छे से अच्छे स्कूल से अच्छी तालीम नहीं दे सके, उनके बराबर तालीम देकर इंशाल्लाह ताला हम कमा हक कहूँ अपना जिम्मेदारी निभाएंगे इंशाल्लाह। तालिबात के मसाइल जाने, स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ से मुलाकातें की और क्लासरूम्स का दौरा करने के बाद पढ़ाई का मैार भी चेक किया। क्योंकि हमने खुद स्टार्ट किया ना सर ये प्राइमरी वाला, तो हमें हर साल कलर थीम के हिसाब से फर्नीचर चाहिए। इससे कोई अच्छा स्कूल तो नहीं होगा ना हैं, वो है भी नहीं। सॉल्व करेंगे अच्छा ब्रैकेट हो तो छोटा ब्रैकेट पहले, उसके बाद लार्जर ब्रैकेट, ठीक है ना, फिर उसके बाद अंदर डिवीजन है ना, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, ये बात थी ना। ये बुनियादी चीजें हैं, ये तो मेरा चाचा है, चौथी पढ़ाए उसने, वो लोगों को इसमें फंसाता है। मैं उसका भतीजा हूँ तो मैं भी इसी तरह करता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। वोकैबुलरी एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स उलट के होगा ना, एंटी
एंटी हमेशा एंटीनिम्स, ठीक ही नहीं है, उल्टा आसमान का जमीन, ठीक ही नहीं। साइनोनिम्स वो जो आप बोल रहे हो ना, उत्तरार्थी मिलते जुलते मान्य रखने वाले अल्फाज, ये कंसेप्ट रटो नहीं, रटो नहीं, ठीक ही नहीं है, समझ कर पढ़ो। चलो थैंक यू, गुड हो गया, कंसेप्ट। आर्ट शौक से लिया आपने? जी सर। खुशी से? जी सर। दाखला नहीं मिलकर कोई आर्ट्स में तो नहीं आया? नो सर। आर्ट्स में दाखला लेने की कोई दो तीन वजूहत बताओ, एक बताओ, कोई बच्चे क्यों लिया, शौक से लिया, क्या बात? मुझे आर्मी में जाने का बहुत शौक। बड़ी गुड। दूसरा? दूसरा साइंस से ज्यादा मुझे आर्ट्स पसंद। साइंस से? आप तो तीसरी बात क्या? कुकिंग, होम इकोनॉमिक्स। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठो, एवरीवन सिट डाउन प्लीज। एक होती है सिरप होती है, एक प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन क्या चीज है? थोड़ा सा ना, 5 मिनट पढ़ा दे। हम पढ़े वाटर साइकिल, ठीक है जी। वाटर साइकिल में क्या होता है, अभी हम पढ़े थे हाई अर्थ सरफेस टेम्परेचर का एवोपरेशन। जब सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है तो एवोपरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है जी। कहाँ से हो रहा है एवोपरेशन? जो हो रहा है सोर्स ऑफ वाटर सोर्सेज। अब वाटर सोर्सेज कौन कौन से है हमारे पास? यानी कि वाटर सोर्सेस कुछ भी हो सकता है, आपका सीस हो सकता है, आपके ओशन हो सकते हैं, आपके रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ से पानी क्या है जो बुखारात बनकर ऊपर उठना शुरू हो जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के हम लोग इसमें रिलीजन एंड राइटिंग स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इनका जो रिलीजन का जो नजरिया था वो पॉलीथिज्म पे बेस करता था। व्हाट इज पॉलीथिज्म? इसमें कोई क्रिएटिव चीज भी है जिसमें मोटर लगाया हो, मटर नान किया हो, वो चीज ये खुद डीजी स्कूल ने स्कूल की एसएमसी से मुलाकात की और दरपेश तालीमी मसाइल पर तफसीली बातचीत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबका शुक्रिया एसएमसी का और खुसूसन बाकर साहब और प्रोफेसर गुलाम हुसैन साहब का कि वो इस स्कूल के लिए बहुत खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। 2015 में हमने इस स्कूल को टारगेट किया था कि उस स्कूल को ऊपर उठाएंगे, उसकी वजह ये थी यहाँ उस वक्त 1200 बच्चियाँ पढ़ रही थी। तो उस वक्त मैं यहाँ पर डायरेक्टर था 2015 में। 2017 में या 16 में हमें अल्लाह ने एक मौका दिया मॉडल स्कूल्स के बनाने का, तो हमारी ही कोशिश से ये मॉडल स्कूल बन गया। और इस स्कूल की आज जो मैं हालत देख रहा हूँ उससे बहुत मुख्तलिफ है। इसमें एसएमसी के किरदार को मैं अगर अप्रिशिएट ना करूँ तो शायद ज़्यादती होगी। एसएमसी को इसका जो बदला है, इसकी जो जजा है, वो हम तो नहीं दे सकते।
और हम देंगे तो भी अपनी बसात के मुताबिक देंगे, इसकी जज़ा आपको अल्लाह देगा। और अल्लाह की जज़ा बहुत बड़ी जज़ा होती है, वो दुनिया में भी होती है औलाद की शक्ल में और खैर की शक्ल में, और आखरत में भी होती है मग़फ़रत की शक्ल में। तो आपने अपने लिए मग़फ़रत का सामान पैदा किया है, और उम्मीद है कि आपकी पूरी SMC जिस तरह फ़ाल है इसी तरह फ़ाल रहेगी, और इस स्कूल को बल्तिस्तान का इंशाल्लाह ताला अलीगढ़ बनाने के लिए हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। और इंशाल्लाह ताला इसमें जो कमी बेशी है उसके लिए हम दिन रात काम करेंगे, और जो हम खुद कर सकते हैं वो खुद करेंगे। कुछ मुतालबात आपने किए हैं जो मेरे लेवल के थे, गैर मशरूत आपकी हामी भरी है मैंने, और जो हुक्म बाला से हमने करवाना है वो भी इंशाल्लाह ताला हम दिन रात काम करके, हुक्म बाला भी रहम हैं, काइंड इनफ हैं हमारे डिपार्टमेंट पर, चीफ मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, जी भी गवर्नमेंट, तो इंशाल्लाह ताला हम उनसे भी कुछ चीज़ें जो कमी बेशी लेने में कामयाब होंगे। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ जब मैंने पूरा इनर और आउटर विज़िट किया, तो आउटर इन्वायरमेंट भी इसका बड़ा अच्छा था और अंदर भी बड़ी अच्छी थी चीज़ें, और टीचर्स भी बेशक रेगुलर थे और डिसप्लिन थे। लेकिन मैंने एक पैगाम इसमें विज़िट बुक में भी लिखा है, टीचर्स की तैयारी पढ़ाने के लिए ज़रूर होनी है, वो उस पर तवज्जो देने की SMC को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और ख़ास तौर से डिप्टी डायरेक्टर साहब और प्रिंसिपल साहिबा को भी मैंने हिदायत दी हैं कि आइंदा जो है ना क्लास में जो पढ़ाई होगी वो बुक देखकर और ऑन द स्पॉट आकर हादिसतन आकर क्लास में दाखिल ना हूँ, बल्कि वो पूरा लेसन प्लान करके तैयारी करके उसको पढ़कर आकर पढ़ाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की मेहरबानी से एजुकेशन पर प्रायोरिटी देने की वजह से और तमाम इंसेंटिव्स जो चीफ मिनिस्टर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब ने एजुकेशन पर दिए हैं इनको लागू करने के लिए हम दिन रात अनथक मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि यहाँ पर जो कम्युनिटी का एतमाद है गवर्नमेंट स्कूलों पर बहाल हो चुका है, मज़ीद इंशाल्लाह ताला बहाल होगा। और एक वक्त आएगा जिस तरह अच्छे प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के बाद दाखिला मिलता है, यहाँ पर भी हमें दाखिला के लिए टेस्ट लेना पड़ेगा, और टेस्ट ले रहे हैं। तो इस तरह से इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से अच्छा स्कूल हम बनाने में गवर्नमेंट स्कूल तमाम को कामयाब होंगे। ये तो एक बहुत मेरी स्कूल बनने जा रहा है इंशाल्लाह ताला, इस पर तो हमारी पूरी तवज्जो होगी, और इसमें सारा क्रेडिट मैं SMC और प्रोफेसर गुलाम हुसैन साहब की टीम को देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।